हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 5 पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वन फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। तो यहाँ पर आपको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि ये जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन, ये कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है, तो इसको सिंपल करना है। तो कैसे लग रहा है आपको कि ये कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पर भी एक्स का टर्म है और यहाँ भी एक्स का टर्म है, ठीक है, और यहाँ भी कांस्टेंट है और यहाँ भी कांस्टेंट है। तो इसीलिए हमको कई जगह सेम टर्म नहीं होना चाहिए, इसको सिंपल करना होगा। तो लेट अस सॉल्व इट। सबसे पहले आप यहाँ पर माइनस वन बाई टू जो लिखा हुआ है, वन बाई टू से आप इस पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबके नीचे हम अपान टू कर लेंगे तो वही बात होगी, ओके। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस से थ्री एक्स स्क्वायर में करेंगे तो थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर मिलेगा, और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा और 5 अपॉन 2 एक्स। देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 7 अपॉन 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ओके। तो हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया है लाइक टर्म्स को, तो यहाँ पर इनको ब्रैकेट के अंदर भी लिख लेते हैं ताकि हमें माइनस प्लस से कोई दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ब्रैकेट में कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट है। माइनस यहाँ पर देखिए माइनस का मान लेंगे हम तो यहाँ मिल जाएगा हमें 3x माइनस 5 अपॉन 2x, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों में से माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ऐसा हो गया। फिर प्लस, ये तो कांस्टेंट टर्म्स हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 7 अपॉन 2 एज इट इज़। हम क्यों यहाँ पर ब्रैकेट में बना रहे हैं? हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ब्रैकेट में करने से क्या होता है कि कोई भी साइन का मिस्टेक नहीं होता। इससे आपको पता चलता है कि ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वही साइन यूज करना है और बाहर का जो साइन है वो बाहर ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अपान वन कर सकते हैं और वन और टू का एलसीएम क्या होगा? टू ही होगा। वन से डिवाइड करेंगे टू में तो टू आएगा, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। माइनस टू से डिवाइड करेंगे वन आएगा, वन इंटू थ्री रहेगा तो थ्री ही होगा, थ्री एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप सॉल्व कर लेंगे। सो अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस वन अपान टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि माइनस वन बचेगा और अपान टू तो है ही, एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स इज एक्स, सो वन अपान टू एक्स, वन अपान टू है और एक्स रहेगा, ओके। प्लस टेन माइनस सेवन इज थ्री, सो प्लस थ्री बाई टू। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट, ओके। सेकेंड पार्ट देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, बड़े वाले ब्रैकेट में, ठीक है, और इस लार्ज ब्रैकेट के इनसाइड आपके एक स्मॉल ब्रैकेट भी दिया हुआ है। तो पहले आप इस स्मॉल ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस वाई, और इसको एज इट इज हम उतार लेंगे। अब क्या करना है कि आपको ये दोनों लार्ज ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट दोनों को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसके पहले प्लस साइन है, तो इसको हम एज इट इज उतार लेंगे। माइनस यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेवन वाई, माइनस प्लस माइनस नाइन। अब यहाँ पर आप लाइक टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो हमने लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज कर लिया है, तो यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं, यहाँ पर एक्स के टर्म्स हैं और यहाँ पर वाई वाले टर्म्स हैं। सो यहाँ पर देखिए फाइव माइनस नाइन करने पर आपको मिलेगा माइनस फोर, यहाँ माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, तो इन सबको ऐड कर देंगे क्योंकि सबका साइन क्या है? निगेटिव है, सेम है, तो थ्री टू फाइव, फाइव थ्री एट, माइनस माइनस हो जाएगा एट एक्स। फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे सबको क्योंकि सबका साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो टू प्लस वन प्लस सेवन मीन्स टेन, मीन्स प्लस टेन वाई। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। नाउ द थर्ड पार्ट, देखिए यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं है, सो हमें बस अरेंज करना है लाइक टर्म्स को एक साथ और सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हम अरेंज कर लेते हैं इनके लाइक टर्म्स को, ओके। तो हमने यहाँ पर लाइक टर्म्स को अरेंज कर लिया है, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो इनको पहले हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट लेने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा कि दोनों का साइन सेम है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं और आपको मिल जाएगा नाइन अपन फोर एक्स वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन लेने पर यहाँ प्लस हो जाएगा और इतना हो जाएगा आपका प्लस। यहाँ प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ ब्रैकेट आसानी से ले सकते हैं। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर, यहाँ 15 और 2 का एलसीएम होगा 30, 2 से डिवाइड करेंगे यदि 30 में तो 15 मिलेगा, 15 11 जा 15 से डिवाइड करेंगे 30 में तो 2 मिलेगा, 2 वाई एक्स
यहाँ पर 4 और 14 के यदि आप एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 अंजा 63, 14 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई प्लस यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 2xy होगा। सो अब यहाँ सॉल्व करके लिख लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 165 में यदि 2 ऐड करेंगे 167, इतना अपॉन 30 हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर लेंगे 65 आ जाएगा आपका, 65 अपॉन 28 एक्स वाई स्क्वायर प्लस ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर है 2xy तो 3xy, तो यही आपका आंसर है। ओके यहाँ पर आपको देख रहेंगे आप यहाँ पर 3 एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, तो पहले हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए तो क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ आपको ब्रैकेट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस साइन है और बिल्कुल आप एज इट इज़ इसको उतार सकते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा तो माइनस 1/7 वाई माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा और 2y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा 2/7y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3y स्क्वायर माइनस और प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम अरेंज करेंगे और लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। ओके नाउ अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लेना जरूरी होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है, तो लेट अस टेक, देखिए यहाँ पर सबका माइनस साइन है, यहाँ पर सबका सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा इतना मिल जाएगा प्लस, यहाँ तो कांस्टेंट्स हैं सॉल्व कर सकते हैं आप डायरेक्टली भी, 3-2 करेंगे 1 मिलेगा और 11 में ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा 12। तो यहाँ सॉल्व करना है मेनली, तो अब यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, देखिए 2y स्क्वायर में डिनोमीटर नहीं है तो अपन 1 कर सकते हैं और इसका एलसीएम हो जाएगा 3 और आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 स्क्वायर में तो y स्क्वायर माइनस यहाँ 3 मिल जाएगा 3 2 6 प्लस यहाँ मिल जाएगा 2y स्क्वायर, इतना हो जाएगा आपका ये सॉल्यूशन माइनस, यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे 7 और आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4y माइनस y माइनस ओके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट जब आप लिए हैं तो प्लस प्लस कर देना चाहिए, बिल्कुल हमने बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पर करने जा रहे थे, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे प्लस होगा सो ये हो जाएगा 2y 12। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए y स्क्वायर और 2y स्क्वायर ये पॉजिटिव हैं तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर सो माइनस 3y स्क्वायर आएगा अपान 3 रहेगा माइनस, यहाँ सॉल्व करिए 4 1 5 5 2 7 यहाँ मिल जाएगा आपको 7y अपान 7 प्लस 12। तो यहाँ पर यदि आप फिर से सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 1 3 मिल जाएगा यहाँ पर और 7 1 7 तो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस वाई स्क्वायर, केवल वाई स्क्वायर बचा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर वाई बचा केवल प्लस 12। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। नाउ द फिफ्थ पार्ट, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी कोई ब्रैकेट नहीं है तो आपको बस क्या करना है कि सिंपल जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखना है और फिर सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर हमने लाइक टर्म्स को कलर कर लिया है, ये आपका रेड वाले कलर, यहाँ ग्रीन कलर और ये ब्लैक कलर, ये आपका इसका लाइक टर्म कोई नहीं है, कोई बात नहीं है जो लाइक टर्म्स उनको एक साथ लिख लेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके तो इनको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे एक बार और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी जो वेरिएबल्स हैं उनको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कर लिया -1/2 -1/5 इन ब्रैकेट और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी को हमने बाहर कर लिया है, सिमिलरली यहाँ भी करेंगे वही चीज़, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 ए बी स्क्वायर सी, देखिए ए बी स्क्वायर सी और सी बी स्क्वायर ए दोनों सेम ही हैं, सेमी वेरिएबल्स हैं तो कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल, यहाँ भी वही काम करेंगे। तो माइनस यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं एक बार, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा 1/4 प्लस 1/7 और ये हो जाएगा ए बी, अच्छा इन ब्रैकेट बंद हो जाएगा ये ए बी सी स्क्वायर आपको बाहर निकल जाएगा और ये प्लस 1/8 इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये ठीक वैसे ही सी ए स्क्वायर बी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आपका आएगा एलसीएम 10, 2 5 10 एंड 5 होगा -5 -5 2 10 2 -7 एक्चुअली आएगा यहाँ पर, यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं तो 6 आपको एलसीएम मिलेगा 2 + 1 माइनस यहाँ पर आपको 28 4 7 जा यहाँ पर हो जाएगा 7 + 4 ए बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर तो कुछ नहीं करना, ठीक वैसे ही उतार लीजिए, यहाँ सॉल्व करेंगे मिलेगा आपको -7/10
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस यहाँ देखिए 3/6 मिलेगा और 3/6 में से 3 × 2 कट सकते हैं आप, यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं और 1/2 मिलेगा आपको ए बी स्क्वायर सी से, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखिए 7 × 4 = 11 हो जाएगा, तो -11/28 और ये आपका हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर प्लस 1/8 सी ए स्क्वायर बी। ओके तो ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर एंड दिस इज द लास्ट वन। सो आपको समझ में आ चुका होगा कैसे करेंगे सॉल्व, तो यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।